कंटेस्टेंट प्लीज आ जाइए। हाय सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फजर है, लेकिन आप मुझे सत्येंद्र नाम से भी बोल सकते हो। सत्येंद्र जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैडम जी, मैं रहता तो पाली राजस्थान में हूँ, लेकिन लखनऊ से अभी आया हूँ। लखनऊ से आए हैं जी। वाओ, आपने पहले कभी ऑडिशन दिया है? जी नहीं मैडम जी, ये मेरा पहला ऑडिशन है। अच्छा, आपकी लाइफ का पहला आप किसी रियलिटी शो में ऑडिशन दे रहे हैं? जी हाँ मैडम जी। क्या बात। तो अभी तक क्यों नहीं दिया आपने ऑडिशन? क्योंकि मैडम जी मैं बहुत गरीब हूँ और एक किराए के मकान में रहता हूँ, और उसी किराए के मकान में मेरी 5 लड़कियाँ भी रहती हैं, और मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, तो इस बार कैसे सोचा आपने कि ऑडिशन देंगे? इस बार ऑडिशन देने के बारे में क्या बताऊँ सर, मैं एक दिन सुबह गाना गा रहा था, तो गाना गाते गाते मैं रोने लग गया, और मेरी रोने की आवाज़ सुनकर मेरी बेटी उठ गई, और मेरी बेटी मेरे पास आकर मुझे बोलने लगी, पापा तुम इतना अच्छा गाते हो, एक बार इंडियन आइडल ऑडिशन देने क्यों नहीं चले जाते? तो सर मैं मेरी बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखों में से आंसू आ गया सर। सही बात है। और सर मेरी बेटी भी रोते रोते कहने लगी, पापा अपनी वो पुरानी वाली साइकिल पड़ी है ना, उस साइकिल को लेकर आप इंडियन आइडल क्यों नहीं पहुंच जाते? पापा आप टेंशन मत करो, मैं घर का सारा काम संभाल लूँगी। फिर मैंने हिम्मत की और सर मैंने मेरी पुरानी वाली साइकिल उठाई, और मैं इंडियन आइडल बड़ी मुश्किल से पार किया सर रास्ता मैंने, कैसे भी करके सर मैं आखिरकार इंडियन आइडल पहुंच ही गया हूँ सर। फ्रेश टैलेंट डिस्कवर करना इस मंच का पर्पस, इस मंच का मकसद यही है। अच्छा सर, तो अगर आप अच्छा गा दें तो हम सब बहुत बेहद खुश होंगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए। थैंक यू सर। आज क्या सुना रहे हो आप, ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुन रहे हो? सर मैं आज गाना बहुत ही दुख भरा गाना गाना चाहता हूँ। चलिए फिर सुर ले लो, शुरू करते हैं। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ सर। गुड लक।